हेलो स्टूडेंट, टुडे डिस्कस स्केयर एंड स्केयर रूट। आज हम इसके दो टाइप डिस्कस करेंगे, स्केयर फाइंड करना और स्केयर रूट फाइंड करना। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये 12 का हम क्या निकालेंगे, स्केयर निकालेंगे। ओके, तो इसकी ट्रिक बता रहे हैं इस 12 की। इसमें क्या करना है, अब ये वंस डिजिट है, ये टेंस है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका वंस का स्केयर करेंगे तो 2 का स्केयर 4, और इसको 2 डिजिट में लेना है, टेंस में लेना है, तो हम इसकी 0 लगा दें। और ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। ओके, और यहाँ 20 के अंदर क्या करना है, इन सभी का मल्टीप्लाई 1 का 2 से 2 और 2 का 2 से 4। ओके, अब इनको हमको प्लस कर देना है, तो ये 4 है, 4 का 4, और इस ये 4 है, इसमें 0 प्लस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 1। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं हम 18 का स्क्वायर फाइंड करना। तो लास्ट में 8 है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 1 का क्या होता है, 1, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सभी का मल्टीप्लाई 1 का, 8 का, 2 का, तो 16। ओके, अब हमें क्या करना है, ये लास्ट का 4 और 6 के अंदर ये 6 पर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। 1 कैरी गई, 1 कैरी वो, और 1 ये, 1 ये, कितना हो गया, 3। 1 कैरी और 1 और 1 2, तो ये हो गया हमारा 3। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 26। ओके, 26 का हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारे 6 है, 6 स्क्वायर 36 होता है, और इसका 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ओके, और यहाँ क्या लिखेंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई 2 का 6 से 12 और 12 का 2 से 24। अब इनको प्लस कर देंगे तो ये हमारा 6 है और ये 3 और ये कैरी हमारी ये है 4, तो इनको दोनों को प्लस करेंगे, 3 प्लस 4 7 हो गया, और ये 2 हम इसके अंदर प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 6। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 54 का। ओके, 54 का हम स्केयर निकालेंगे। तो 4 का स्केयर 16 होता है और 5 का क्या होता है, 25। और यहाँ क्या करें, सभी का मल्टीप्लाई 5 का 4 से 20 और 20 का 2 से 40। अब क्या करेंगे, ये 6 और 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1, उसके बाद में 4 प्लस में 5 9, 4 प्लस में 5 9 और ये 2, तो ये हमारे क्या आ गया, आंसर। अंडरस्टैंड, ये आप 1000 तक प्रैक्टिस करना सेम ट्रिक। ओके, ठीक, नेक्स्ट और करते हैं हम 72 का स्केयर फाइंड करना, 72 का। तो ये हमारा 2 है, तो हमने बताया था जब 1 डिजिट में आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, 0 लगा देंगे, तो 2 का स्केयर 4 होता है तो हम इसकी 0 लगा देंगे 4, और 7 का स्क्वायर होता है 49, आपको 10 तक तो याद करने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद में इन सभी का मल्टीप्लाई 7 टू जा 14 और 14 टू जा 28 हमारा। ओके, आप क्या करेंगे, हमारा 4, ये 4 है हमारा, उसके बाद में 8 में 0 प्लस करेंगे 8, और ये हमारा 2 है, 9 प्लस करेंगे तो 11 1 हो गया, कैरी आगे चल जाएगी 5, ये 1 कैरी थी, 4 प्लस में 1 5, तो ये आ गया 5184, 72 का। ओके, तो ये हमें 1000 तक फाइंड करने हैं। अब इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको है ना, पीछे से 2 का पेयर बनाना पड़ेगा, किसका पेयर, 2 का पेयर बनाना पड़ेगा, ये सिंगल रह गया, तो हम यहाँ वो नंबर लेंगे सेम या इस नंबर से, या तो इक्वल हो या इससे छोटा हो। ओके, तो हम यहाँ क्या लेंगे, 1 है तो 1 से लेंगे, तो 1 ऊपर भी 1, सेम नंबर जो हमने यहाँ लिया सेम वही नंबर ऊपर जाएगा, तो 1 से 1, उसके बाद में यहाँ तो 0 बचा, ऊपर से क्या बचा, ओनली पेयर, कंप्लीट पेयर होता है ना 21 का, उसके बाद क्या करना है, जो ये वाला नंबर है ना, इसका हमें डबल करके यहाँ लिखना है, तो डबल किया इसका, 1 का डबल 2 हो गया, और यहाँ हमें वो नंबर लेना है जो या तो इसके इक्वल आ जाए या इसे छोटा हो। ओके, तो हम यहाँ क्या लेंगे, 2 लेंगे तो ज़्यादा जाएगा, तो 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो 1 हो गया हमारा यहाँ, और 21 और ये हमारा 0, तो आंसर क्या आ गया, ये 121 का स्क्वायर रूट निकाल के आ गया 11। ओके, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे 361 का। तो वही है, सेम 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर, अब ये 3 है, हम यहाँ 2 लेंगे तो 2 हमें यहाँ लेना पड़ेगा, 2 जा 4, इससे ग्रेटर ना 3 से, तो हम क्या लेंगे, 1 यहाँ लेंगे, 1 यहाँ लेंगे, और सेम वही नंबर यहाँ लेना है, तो 1 ये लिया और इसको माइनस किया यहाँ से, तो 2 बच गया, और उसके बाद में नेक्स्ट पेयर हम उतारेंगे यहाँ पे, तो 61 का, और इसका डबल करेंगे, 1 का डबल क्या होता है, 2, अब 2 के साथ में यहाँ हमें एक नंबर लेना है,
या तो इसके इक्वल आ जाए, या इसे छोटा, तो 1 लिया तो बहुत छोटा रह गया, फिर ऐसे 2 लिया तो 22 2 जा 44, ये भी छोटा रह गया, 3 लिया तो 23 3 जा 69, ये भी छोटा रह गया। तो अब हम क्या करेंगे, यह हम क्या लेंगे, ऐसे ऐसे लेंगे, फिर 4 लेंगे, 5 लेंगे, 5 लेंगे तो 125 आ जाएगा, ऐसे हम यहाँ लेंगे 9। तो हमने 9 यहाँ लिया, सेम नंबर यहाँ भी 9 लेना है, तो 9 9 इसके मल्टीप्लाई करेंगे इसका 9 से, तो 9 9 जो 81, 8 कैरी आ गई हमारी। उसके बाद में 9 2 जो 18, 18 प्लस में 8 क्या होता है 26, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 19। नेक्स्ट हमने 484 लिया, तो हमने लास्ट के 2 पेयर बनाई, ये हमारा 4 है। अब हमने 1 नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ 2 लेंगे, 2 2 जो 4, हमारा 1 तो वो छोटा रह गया, तो हम यहाँ अब 2 लेंगे और 2 ये हमारा ऊपर लेंगे, सेम नंबर लेना है जो यहाँ लेंगे, सेम वही नंबर ऊपर लेना है, तो 2 2 जो 4, ये हमारा 0 आ गया यहाँ से। अगला नेक्स्ट पेयर उतार ले 84 का, अब इस वाले नंबर का डबल करके हमें यहाँ लिखना है, तो 2 का डबल क्या होता है 4, अब 4 के साथ हम नंबर लेंगे 1, तो यहाँ 1 लेके देखा छोटा रहेगा, अब हम इसके बाद 2 लेंगे और सेम नंबर ही यहाँ भी 2 लेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो हमारे क्या आ गया 484 का स्क्वेयर आ गया हमारा, स्क्वेयर रूट निकाल दिया 22। अब 729 लिया हमने, तो हम यहाँ क्या लेंगे, हम 3 लेंगे तो 3 3 जो 9 बड़ा रह जाएगा, तो हम यहाँ लेंगे 2 लेंगे और 2 हमें ऊपर लेना है, सेम वही नंबर, तो 2 2 जो हमारा 4 और यहाँ से माइनस किया क्या बच गया 3 हमारा। ऊपर वाला कंप्लीट पेयर उतार ले 29 का, अब इसका डबल यहाँ करके लिखना है, अब इस 4 के साथ नंबर लेके आना है, 1 लेके आए तो बहुत छोटा रहेगा, 2 लेके आए ऐसे हम या क्या आए 5 लेके आए तो भी छोटा रहेगा, फिर क्या लेके आए 7, और यहाँ भी ऊपर भी 7 लेना है, और इस नंबर का 7 से मल्टीप्लाई करें, तो 7 7 जा 49, 4 हमारी कैरी हो गई, और 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 32, ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया 27। ये 961 देखना, हमने पेयर बनाया 2 का, उसके बाद में हम यहाँ क्या लें, ये 9 है, हम 2 नहीं लेंगे, 2 2 जा 4 होता छोटा रहेगा, फिर 3 लेंगे, तो 3 हमने यहाँ लिया, तो 3 हम यहाँ ऊपर लेंगे, और 3 3 जा क्या होता है 9, तो 9 लिया तो हमारे यहाँ तो 0 बच गया, और ऊपर से पेयर उतार लिया 61 का, तो इसका डबल क्या होता है, इसका डबल क्या करेंगे हम, 3 का डबल 6 हो गया, और 6 के साथ हम क्या लेके आए जो इसके इक्वल हो या इससे छोटा हो, तो 1 लेके आएंगे, तो ऊपर भी 1 करेंगे, और इसे 61 से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये आ गया 61। अब इसका हम पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाए 2 का बना, और 2 का ये पेयर बन गया, ओके, 2 का ही पेयर बना है, पीछे से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ क्या लेंगे 4 लेंगे, 4 4 जो 16, तो हम यहाँ क्या लेंगे 3 लेंगे, और 3 ऊपर लेंगे सेम नंबर, और 3 3 जो 9, इन दोनों का मल्टीपल 3 3 जो 9 हो गया, अब माइनस किया तो यहाँ से 2 बच गया, ऊपर वाला पेयर उतार लिया 56। उसके बाद क्या करें, इसका डबल 6 आया, अब इसके साथ नंबर लेंगे, तो 1 लेके देखा, और ऊपर भी 1 लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई 61 छोटा रह गया, तो हम यहाँ 4 लेके देखेंगे, और 4 ही हमारा ऊपर जाएगा, और 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, और हमारा 1 बचा, और 4 6 जा 24, और प्लस में 125, तो हमारा ये आंसर आ गया, ओके। इसके अंदर हम लेंगे, तो पीछे से पेयर बनाया और ये पेयर बनाया, तो हम यहाँ क्या लेंगे 5 5 जो 25 होता है छोटा रहेगा, और 7 7 जो 49 बड़ा रहेगा, तो हम 6 लेंगे और 6 से ऊपर लेंगे, और 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया, अब ये माइनस किया तो यहाँ से 2 बचा, ऊपर से क्या उतार लिया, कंप्लीट पेयर उतारना है, क्या उतारना है कंप्लीट पेयर, इसका डबल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 12 हो गया, अब 12 के साथ क्या लेके आए 1 लेके आए तो 121 छोटा रहेगा, अब यहाँ 2 लेके आएंगे, 2 ऊपर ही जाएगा, और 2 से ही हमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 2 2 जा ये, तो ये हमारा था लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, थैंक यू।